लॉकडाउन के चुनाव कैंपेन के दौरान मडगांव की सारी जनता को हमने प्रॉमिस दी कि मैं चुनाव हारूं या जीतूं, आप मुझे वोट दें या ना दें, दोनों स्थिति में आपके साथ खड़ा रहूंगा। 18 तारीख को चुनाव का नतीजा आया, 20,000 के करीब वोटों के मार्जिन से जीता। नेक्स्ट डे मैंने कलेक्टर को मेमोरेंडम सबमिट दिया और कहा कि मेरे मत क्षेत्र में सड़कें बनाई है वरना सड़कों पर उतरूंगा। महाराष्ट्र में एफआईआर दर्ज करने वाला है, वही तो हमको टारगेट किया जाए। वड़गाम की विक्ट्री उनको उतनी चुभ रही है, इतने बौखला गए, उनको ये डर लग रहा है कि 2019 में भारी पड़ेगा। वडनगर वाले को डर है कि वड़गाम वाला भारी पड़ेगा। या प्रोवोकेटिव है, किसी को भी डाउट हो यूट्यूब पर वो देख लो, सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को देखो कि जिग्नेश बेरी की सर ये स्पीच है, अब हम में से कौन सा पार्ट गलत लग रहा है। उसके बाद हिंसा हुई, वही तो हम कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की सरकार की फेल्योर है। हम तो बीमा को लेकर तो गए ही नहीं, हमने बंद में भी पार्टिसिपेट नहीं किया। आजकल तो सर कहीं जाने की जरूरत नहीं, गुजरात में भी आप कुछ कहें तो चिंगारी भड़क सकती है। वही तो हमको लेकर इतने जो परेशान हो गए, इतने बौखला, ये भाजपा का डिस्प्रेशन दिख रहा है, उनके बौखलाहट है। उनको मालूम है कि जितना जिग्नेश मेवानी का प्रोफाइल बढ़ेगा उतना वो केवल दलितों की नहीं सारे युवा वर्ग की बात करेगा, किसान और मजदूर की बात करेगा, दलित और आदिवासी की बात करेगा, इन सभी लोगों की बात करते हैं, उसी के चलते वो बुखलाए हुए। हम पूछेंगे भाई तुम एक ने 10 ऑफेंस दर्ज करो तब भी पूछेंगे, 2 करोड़ युवा के रोजगार का क्या होगा। हम ये ना पूछे हुए जाति की बात थी, पेशवाई की बात थी और सड़कों पर संघर्ष की बात थी। बिल्कुल, हमारा एजेंडा सोशल जस्टिस है, 2 करोड़ युवा को रोजगार मिले, विदेशी बैंक में बड़ा 15 लाख मिले, जीएसटी और नोटबंदी के चलते जो अर्थतंत्र का बेड़ा गर्द हुआ उसको कुछ रिपेयर किया जाए, सारी जनता के सारे सवाल वो हमारे सवाल। चलिए कपिल साहब, 9 को आपका क्या पूरा कार्यक्रम है और किस तरह का आपका ये ओंकार रैली? बिल्कुल, पिछले 4 साल के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस प्रकार से ऊना की घटना हुई, चंद्रशेखर आजाद को टारगेट किया गया, रोहित वेम्बुला की संस्थानिक हत्या हुई, भीमा कोरेगांव में हिंसा हुई, अब उनको पूछना चाहते हैं सर फाइनली अब आप बता दीजिए, आप मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं ये संविधान को, ये पूछने के लिए सोशल जस्टिस के एजेंडा के साथ युवा वर्ग की अगुवाई में 9 तारीख को दिल्ली में रैली होगी और प्रधानमंत्री जी को मिलने जाएंगे। चलिए जिग्नेश, अपने सारे दावों के साथ आप सिर्फ एक्टिविस्ट नहीं, एक चुने हुए प्रतिनिधि भी हैं और जनता की कसौटी पर वो भी कसे जाएंगे।